अब जब बात बढ़ी है तो फिर बढ़ती चले। बिल्कुल, विवाह करके, विवाह हो गया, अयोध्या आ गए, आ गए भगवान राम सीता जी को लेकर के पूरी बारात वापस आ गई। उसके बाद परिस्थितियां बदली, भगवान राम को माता कैकेयी ने 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी वन गए, लेकिन रास्ते में गंगा मैया पड़ गई। गंगा के किनारे हूं तो गंगा जी को नहीं छोड़ रहा हूं, उनको प्रणाम करता चलूं। जय हो मैया। उधर के जीका वाले उधर ही गए। देखिए आप, पहले तो मैं तर्ज बता दूं। हाँ तर्ज बताओ, बाद में मर्ज। क्रांति जी, एक गीत बहुत पुराना है। कौन सा? जब मैं पुराना हूं तो गीत ही पुराना है। बिल्कुल। क्रांति जी, के नींद तुम्हें तो आती होगी। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना, आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो कार्यक्रम को भी सुनिएगा, और आज ये कार्यक्रम का 19 तारीख के कार्यक्रम का मूल्यांकन करिएगा, तौलिएगा। धर्म कांटे पर, ईमानदारी के धर्म कांटे पर तौलिएगा। बिल्कुल, तब फैसला करेगा। ये फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, we
क्या बात है, हम लोग फालतू की मेहनत नहीं करते। सारी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। हमको लग रहा है 19 तारीख के कसर आज ही निकाले ले। ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्री लल्लू कश्यप जी तिवारी घाट कानपुर आपकी ओर से। ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे नाल पर बेहतरीन संगत कर रहे श्री अजय जी को प्रदान किए गए। आइए अब गीत देखते हैं, गीत देखते हैं, क्योंकि ये माहौल अब ऐसा बन चुका है कीर्तन का। हम लोग बहुत गुस्से में बैठे हैं। हाँ, इनके झीका दिखाई नहीं पड़ रहे, मारे डर के भी झीका वाले लौटे नहीं। राम लक्ष्मण सीता पार जाना चाह रहे हैं, लेकिन गंगा के किनारे खड़े हैं। हाँ, बेचारे सोच रहे हैं कैसे पार जाएं। तभी बेचारे गंगा के किनारे जाके खड़े हैं। तभी केवट को इशारा किया, संकेत किया, मांगी नाव न केवट आना। केवट आया, कहा प्रभु प्रभु मैं आपको गंगा तो पार कर दूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पांव में आपके पैरों में जादू है। सुना है कि आपके पैर के स्पर्श से जब पत्थर की शिला नारी बन सकती है, तो कहीं प्रभु हमारी नाव भी आपके चरण के स्पर्श से नारी बन गई। तो एक को तो हम खिला नहीं पा रहे हैं। बताओ दूधी करवा कहां से? करवा चौथ, करवा चौथ का व्रत रखे पड़ी है, लेकिन अब दूसरी को हम कहां से संभालेंगे? माटी के। सुनिए कि विष्णु जी शेष शैया पे कर रहे शय, माँ कमला कमल नयन के दबा रही चरण, कछुआ श्री हरि के छूने को पैर है। कछुआ श्री हरि के छूने को पैर है, पानी के ऊपर आता वो पैर। मन भर लेना। कथा को समझते रहे, भाव समझिए। वर दे दिया कछुए को समझ उसकी भावना, अरे अगले जन्म में होगी तेरी पूरी कामना। अरे सतयुग गया, सतयुग गया, सतयुग के बाद त्रेता आ गया। त्रेता सतयुग गया, सतयुग के बाद त्रेता आ गया, कछुआ वही केवट बन करके आ गया। सतयुग गया, सतयुग के बाद त्रेता आ गया,
बचपन करके आ गया, भगवान ने सतयुग का अपना वचन निभाया, भगवान ने सतयुग का अपना वचन निभाया, और केवट से गंगा तट पे अपने पैर धुलवाए, धोके चरण के वट ने गंगा पार कराई, अंगूठी निकाली और प्रभु श्री राम को दिया, कहा प्रभु इसका पारिश्रमिक दे दीजिए, दे दीजिए। ये भाव देखिए आप, धोके चरण के वट ने गंगा पार कराई, प्रभु देने लगे मुंदरी के वट को उतराई। अब भगवान राम देखिए यहां पर भाव देखें आप, भाव देखें आप कि भगवान राम उसको मुंदरी देना चाह रहे हैं, मुंदरी देना चाह रहे हैं, अब वो मुंदरी देख रहा है, देख रहा है क्या कि सोने की मुंदरी नैनों से निहार रहा है, सोने की मुंदरी नैनों से निहार रहा है, पर मन ही मन में कर यही विचार रहा है क्या कि ये सोने की लालच में मैं आ जाऊं, क्यों कि जिन चरणों ने सतयुग से सोने की मुंदरी नैनों से निहार रहा है, पर मन ही मन में कर यही विचार रहा है क्या कि जिन चरणों ने सतयुग से, सोच रहा है जिन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है, जिन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है, तो उन चरणों को धोकर केवट, उन चरणों को धोकर से के वट ने लगन लगाई है, चरणों में सदियों से के वट ने लगन लगाई है, तो आप ही बोलो के उन चरणों से, उन चरणों को होकर के वट कैसे ले उतराई है।
गीत थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गीत चाहे जितना अच्छा हो, गीत अगर बोझ बनने लगे तो फिर उसका मजा थोड़ा किरकिरा होने लगे। मैं चाह रहा हूँ सुने आप, केवल सोच रहा है रावण के अत्याचारों से धैर्य न धर पाई है धरा, रावण के अत्याचारों से धैर्य न धर पाई है धरा, तब देवों की गिनती सुनकर अरे प्रभु ने है नर रूप धरा। साथ निभाऊंगा जिन चरण एक केवल सोचा है जिन चरणों की खातिर शिव ने, जिन चरणों की खातिर शिव ने वानर देह बनाई है, जिन चरणों की खातिर शिव ने वानर देह बनाई है, तो उन चरणों को धोकर केवट में भाव पक्ष ही एक माध्यम है। करी प्रतीक्षा जन्म, हाँ करी प्रतीक्षा, अरे जनक ने शिव का धनुष जो योद्धा तोड़ेगा तो भरी सभा में वो ही योद्धा नाता सिया से से जोड़ लिया। सोच रहा है केवल जिन चरणों को पूज के नभ ने राजा नभ, अरे जिन चरणों को पूज के नभ ने अपनी बिटिया थमाई है, जिन चरणों को पूज जनक ने अपनी बिटिया थमाई है, तो उन चरणों को धोकर केवट कैसे ले उतरा। केवट से रावण तक में छलांग लगा दिया आपने, जिन हरी कथा एक गीत कह रहा है आग नहीं बोले के नींद तुम्हें तो
फिल्मी लाइनें हैं, मुझे पूरी याद नहीं है दादा, आपसे जितनी सुनी है उतनी सुना रही हूँ। गीत में आपने केवट का प्रसंग लगाया है कि जिन चरणों ने सतयुग से त्रेता तक राह तकाई है, उन चरणों को धोकर केवट कैसे ले उतराई है। जवाब सुनिए, आपने पैरों की बात की है, हालांकि पैरों में और बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ दादा। जवाब सुनिए, के सागर किनारे शक्ति का प्रमाण हो रहा। निवेदन कर रही हूँ जनता से भी कि आप लोग जवाब को सुनिएगा। सागर किनारे शक्ति का प्रमाण हो रहा, और नल नील द्वारा पुल का जब निर्माण हो रहा, तो लिखा है राम राम पत्थर वो गए तय। एक पर राम लिखा है, एक पर माँ। नल नील ये कार्य कर रहे हैं पुल बनाने के लिए, तो लिखा है राम राम और पत्थर गए वो तय, तो आपस में जुड़ गए हैं किसी जोड़ के बगैर। कोई पैदी बोल या पैदी क्विक नहीं लगाए, लेकिन राम के नाम की शक्ति देखे पत्थर जुड़ रहे हैं। तो देखा जो राम ने तो ये विचार कर रहे, भगवान श्री राम सोच रहे हैं कि नल नील साधारण होकर भी एक तरफ राम लिखते हैं, एक तरफ माँ लिखते हैं, और पत्थर पानी में तैर जाते हैं, आखिर ये कैसे कर रहे हैं। जवाब भगवान के मन में आया कि चलो यही काम हम करते हैं। तो आ गए हैं वो किनारे, यानी उसी जल के नदी के तीर आ गए, और जब आ गए तो भगवान राम ने किया क्या, आ गए हैं जब किनारे तो शिला उठाई, डाली है जल में तो उसे डूबते पाई। नलील पत्थर तैरा दे रहे हैं, और राम के मन में आया कि आज आज एक पत्थर ये सब तैराते हैं, एक पत्थर मैं तैरा कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा जवाब को। प्रभु राम ने उस पत्थर की शिला को उठाया और पानी में छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तो वो डूब गई, यानी वो पत्थर पानी में डूब गया। भगवान सोच रही है नल नील साधारण होकर तैरा ले रहे हैं, तो मैं राम होकर ये नहीं कर पा रहा, पीछे हनुमान जी खड़े हैं, ये जवाब कहां से कहां पहुंच रहा। तो डाली है जल में तो उसे डूबते पाई, तो जब डूब गई है शिला तो वो मन में हुए हैरान, और देखते हैं उनको पीछे खड़े हनुमान। हनुमान जी पीछे खड़े हैं, ये देख करके उनको, हनुमान जी पीछे खड़े हैं, अब भगवान श्री राम का तैराया हुआ पत्थर डूब गया, और जब डूब गया तो हुआ क्या, देखते हैं उनको के पीछे खड़े हनुमान, और देख करके उनको वो बोले हैं श्रीमान, के किसी से ना ये कहना और रखना सदा ये ध्यान। हनुमान जी से प्रभु राम ने कहा कि हे हनुमान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हनुमान ने कहा प्रभु मैं ये देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं अकेले। प्रभु राम ने कहा तुमने कुछ देखा तो नहीं। हनुमान ने कहा हाँ देखा। भगवान राम ने कहा देखो जो पत्थर मैंने डाला वो डूब गया, ये बात तुम किसी से कहना नहीं, अगर तुम ये सबसे कहोगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि देखो मर्यादा पूर्व
पुरुषोत्तम राम एक पत्थर नहीं तैरा था। तो हनुमान जी बोले बोले क्या हाथ जोड़ करके बोले हैं कपिराई कि ये सबको बदलाऊंगा जाके सुनिए रघुराई। क्या बताऊंगा, अब बात आती है दादा आपके गीत में पैरों की बात चल रही है, मेरे जवाब में प्रभु राम के हाथों की बात चल रही है। सवाल आपके गीत में जिन चरणों की बात चल रही है तो मेरे हाथों में जिन हाथों की बात चल रही है। सब बात यह जवाब कहा उन्होंने कि हे राम आपके हाथ भी साधारण नहीं है, इन्हीं हाथों में दुनिया पल रही है, इसी से सब चल रहा है, लेकिन आज आपने हाथों से पत्थर डाला जल में तो हुआ क्या। कहा उन्होंने कि जिन हाथों शक्ति से प्रभु दादा आपके गीत में जिन चरणों से तो मैं प्रयास कर रहा हूं, हनुमान बता रहे हैं कि जिन हाथों की शक्ति से प्रभु शिव उठा दिया और जिन हाथों के द्वारा रघुवर असुरों को मिटाया है। निवेदन कर रहे हैं दादा एक एक लाइन नोट करिएगा क्योंकि आपके गीत में जिन चरणों से हुआ, जिन चरणों से गंगा निकली, जिन चरणों से ये तर गए, जिन चरणों से ये हो गया, तो जिन हाथों से हो रहा है। बस जवाब में अगर उधर पैर है तो इधर हाथ है। और कहा कि जिन हाथों में आपके हाथ कैसे हैं कि जिन हाथों में मरा जटायु और मर कर मुक्ति पाई है, इन्हीं हाथों में आपने पक्षीराज जटायु को उठा लिया, आंखों से रोए आप, और इन्हीं हाथों का करिश्मा देखिए कि वो छोटी सी गिलहरी बार बार पुल बनवाने के लिए पानी में भीग जाती है और फिर बालू में लोट जाती है। उसने देखा सब अपना अपना सहयोग कर रहे हैं, मैं क्या करूं। उस गिलहरी ने अपने शरीर में बालू लपटा कर जाकर पुल में झरिया दिया। भगवान राम देखते रहे, प्रभु राम ने बड़े प्रेम से गिलहरी को उठाया और कहा ये क्या कर रही है। जैसे ही उठाया उस गिलहरी ने कहा कि ये सब अपना सहयोग कर रहे हैं, मैं यही कर सकती हूँ। बस भगवान ने उसके प्रेम से हाथ फेरे और वो गिलहरी के शरीर पर तीन धारियां आज भी नजर आती हैं। और एक नहीं दुनिया की जितनी गिलहरी है सब पर नजर आ रही है। ये केवल हाथों का काम है, ये हाथों में कमाल है। तो जिन हाथों में मरा जटायु मर कर मुक्ति पाई है, तो जिन हाथों के द्वारा गिलहरी वो तीन धारियां पाई। लेकिन दादा यहाँ पर हनुमान कह क्या रहे हैं, हनुमान के भाव को समझिएगा। प्रभु राम ने कहा क्या कहना चाहते हो हनुमान, हनुमान ने कहा प्रभु आप कह रहे हैं कि ये बात जो पत्थर आप तैरा रहे हैं वो डूब गया, ये बात किसी को बताना नहीं, लेकिन ये बात हनुमान डंका बजा कर सब जगह गाएंगे। क्यों गाएंगे, क्योंकि हे राम राम के आपसे प्रभु जो दूर हुआ
साधु जो दूर हुआ वो जीवन से उब जाएगा। और कहा क्या कि ये पत्थर जो डूब गया वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हे राम, राम दुनिया में गाकर बताऊंगा, क्योंकि जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। क्या बात है बेटे, क्या बात। जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब जाएगा, इसलिए कि आप से प्रभु जो दूर हुआ वो के जीवन से उब जाएगा। और इन हाथों से जो छूटेगा वो निश्चित ही डूब जाएगा। जवाब का प्रयास करना चाहिए दादा, ये नहीं कि रंग भूमि में दस सिर वाले। जवाब क्या दिया है आपकी आत्मा जानती है। रंग भूमि में पहल उठे सब कैसे दादा है दादा क्या? इन हाथों से जैसे आपके गीत में जिन चरणों से केवट पर रहा है, वैसे ही हनुमान कह रहे हैं अगर आपके हाथों से पत्थर भी छूट जाएगा तो वो भी डूब जाएगा। लेकिन जरा देखिए इन हाथों से और क्या हुआ। जिन हाथों के द्वारा स्वामी जग ये सारा रचाया है, आपके हाथों की कारीगरी है दुनिया रचाई गई है। और जिन हाथों से चक्र चला तो भक्तों को गया बचाया है, जैसे लोग पड़ गए जिनको आप उठा लिए गोद में समझ, तो जिन हाथों से मर कर जाने कितने ही तर जाते हैं, तो इन हाथों से भंडार भरे और कर से ही बर पाते हैं। तो हो जिस पे तो वो कला खूब भी पाएगा, पर इन हाथों से जो छूटेगा वो निश्चित ही डूब जाएगा। गीत का यथाशक्ति।